नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं, आप देख रहे हैं दंगल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों पर वायुसेना के प्रचंड प्रहार और विंग कमांडर अभिनंदन की सकुशल रिहाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना की रैली के मंच पर आए। ऐतिहासिक गांधी मैदान में पीएम मोदी ने विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देते हुए ये कहा कि विपक्ष के बयानों से पाकिस्तान में ताली बजती है, वो आतंकवाद खत्म करने में जुटे हैं तो विपक्ष उन्हें खत्म करने में लगा हुआ है। दरअसल दिग्विजय सिंह, ममता बैनर्जी, महबूबा मुफ्ती जैसे नेता पाकिस्तान में घुसकर हुए आतंकी अड्डों पर जो हवाई हमले हुए हैं उसका सबूत मांग रहे हैं। पीएम मोदी के साथ मंच पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान भी मौजूद थे। पासवान ने तो यहां तक कह दिया कि पीएम मोदी का सीना 56 इंच का नहीं 156 इंच का है, बुलेट की लड़ाई भी जीतेंगे और बैलेट की भी। इसीलिए आज हम दंगल में जो सीधे और कड़े सवाल पूछेंगे वो ये है कि क्या देश में आतंक मिटाओ बना मोदी हटाओ राजनीति चल रही है? आखिर विपक्ष एयर स्ट्राइक का सबूत क्यों मांग रहा है? क्या बीजेपी सेना की कार्रवाई को चुनाव में भुनाना चाहती है? क्या मोदी को घेरने के लिए विपक्ष के पास मुद्दा नहीं बचा है? क्या ऐसे ही विपक्ष के तीरों पर पाकिस्तान में ताली बजती रहेगी? आज का दंगल इन्हीं सवालों पर, ये रिपोर्ट देखिए। के नेता, अरे वीर जवानों ने जो पराक्रम दिखाया उस पर संदेह कर रहे हैं। जैसे उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा जा रहा था, अब वो आतंकी ठिकानों को हवाई हमले में खत्म किए जाने का भी सबूत मांगने लगे हैं। भारत माता की विजयी, भारत के लिए भारत माता की। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे विपक्ष पर प्रहार किया। पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले के बाद ये पीएम मोदी की पहली चुनावी रैली है, जिसमें एक ओर सेना के शौर्य की जमकर तारीफ की तो दूसरी तरफ विपक्ष पर तीखे प्रहार में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं देश की आवाज को, हमारी सेना के हौसलों को बुलंद करने के बजाय वे ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे दुश्मनों के चेहरे खिल रहे हैं। अब भारत अपने वीर जवानों के बलिदान पर चुप नहीं बैठता, चुन चुन करके हिसाब लेता है। दुनिया में कहां? पिछले 10 सालों में ये पहला मौका है जब किसी राजनीतिक रैली के मंच पर पीएम मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ दिखे। अब नीतीश एनडीए के जहाज पर सवार हैं और पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे। केंद्र में रहते हुए माननीय मोदी जी ने जो काम किया है उस काम को हमेशा लोग उसकी चर्चा करते हैं। तो मोदी सरकार में मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी सुप्रीमो रामविलास पासवान एक कदम और आगे बढ़ गए। आतंक के खिलाफ पीएम के एक्शन की तारीफ करते हुए यहां तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी का सीना 56 इंच का नहीं 156 इंच का है। भारत के शानदार प्रधानमंत्री, पहले तो हम लोग कहते थे कि भारत के प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच है, लेकिन आज ये पटना का गांधी मैदान आपको सम्मानित करता है कि नरेंद्र मोदी जी का सीना 56 इंच नहीं 156 इंच है। पटना के गांधी मैदान से एनडीए का बिहार में विजय संकल्प शुरू हो गया। एनडीए की नजर बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर है। बिहार में पिछले 5 साल में समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा आउट हो चुके हैं और नीतीश कुमार की एंट्री हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, बिहार के लोग आपको आश्वस्त करते हैं कि हम 40 में 40 सीट जीतेंगे, ये हम लोगों का संकल्प है। दरअसल नीतीश कुमार दावा तो सूबे की सभी 40 सीटें जीतने का कर रहे हैं, बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां लोगों के बीच संदेश देने की कोशिशों में जुट गई है कि पीएम मोदी आतंकवाद को मिटाना चाहते हैं और विरोधी पार्टियां उन्हें यानी नरेंद्र मोदी को। रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। जब देश हित की बात हो उस वक्त भी अपने दलहित को पीछे क्यों नहीं रखते हैं राजनेता, यही सवाल आज हम पूछेंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त दंगल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके साथ
चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे, उनका जल्दी से पर्चा आपसे करवा देती हूं। बीजेपी से शहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी से डॉक्टर नवल किशोर हमारे साथ मौजूद हैं और जेडीयू से डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर नवल किशोर आपका रुख करते हुए, चूंकि कांग्रेस से राजीव त्यागी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं, आप लोग क्या चाहते हैं, आतंक मिटाओ या फिर मोदी को राजनीति से हटाओ? एक लाइन विपक्ष की क्या है इस देश में? देखिए, हम लोग को भरोसा है और पूरे देश को विश्वास है कि आतंक को मिटाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है उसकी सेना 24/7 काम कर रही है। हमें परहेज इस बात से है कि जो प्रधानमंत्री दिन रात जनहित में जो काम करना चाहिए उसको छोड़कर केवल प्रचार करने में लगा हुआ रहता है, यहाँ तक कि सेना जो काम कर रही है उसका भी फायदा और चुनावी फायदा उठाने का किस तरह से फायदा ले रहे हैं, करते रहते हैं, किस तरह से फायदा ले रहे हैं, खिलाफ है। और यही सवाल है, सवाल ये नहीं है कि सवाल ये नहीं किस तरह से फायदा ले रहे हैं, वो आप देख लीजिए। पूरा देश में जिस तरह से उन्होंने रैली की, जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा था उस दिन भी आप देखें और उसके बाद भी देखें, तमाम नेताओं जो बीजेपी के हैं प्रधानमंत्री सहित पूरे रैली कर रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं, आज भी रैली कर रहे हैं। आज भी आपने देखा होगा कि शहीद को छोड़कर, शहीद को देखने उनके एक नेता भी नहीं गए और वहां पर रैली कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश को बचाने के लिए देश हित में काम करें। इसे पता चलता है कि प्रधानमंत्री की इच्छा क्या है, उनको पता चल गया है कि देश से उनकी विदाई है, इसलिए वो अपने मिटने के बाद को आतंकवाद से जोड़ते हैं। आतंकवाद मोदी के समय से नहीं आया, पहले से है, उसके खिलाफ में लड़ाई पूरा देश में पहले से लड़ा जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी नहीं है, वो तो केवल एक कोई काम करते हैं और कहते हैं आतंकवाद को मिटाना है। भाषण मत दीजिए, नोटबंदी से भी मैं सवाल ये पूछ रही हूँ कि जिस शहीद की आपने बात की है कि पटना एयरपोर्ट पर उनका पार्थिव शरीर गया था और कोई नेता बीजेपी या जेडीयू का नहीं पहुंचा, आप गए थे क्या? नहीं, हम बिल्कुल सारे देखिए, जिनसे सवाल है उसको छोड़कर आप जरूर दूसरे जाएंगे। यही काम है मीडिया का भी कि जो सवाल हम सरकार से पूछते हैं आप वो काम हमसे पूछते हैं जी। हम अपने देशभक्ति का सर्टिफिकेट भी अगर बिहार का सपूत बिहार आ रहा है और उनका पार्थिव शरीर आ रहा है तो आपको जवाब तो देना होगा। सवाल नहीं पूछे, फंस गए तो आप गोल गोल घुमाएंगे। ठीक है, चलिए शहनवाज हुसैन से इसका मैं जवाब देती हूँ। शहनवाज हुसैन जी, सिर्फ मंच से ही शहीदों की बात होगी क्या? अगर एक शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचता है पटना एयरपोर्ट पर, ना ही जेडीयू और ना ही बीजेपी का कोई भी नेता वहां पहुंचता है और इसी वजह से उस परिवार को दर्द भी है। बार बार उन लोगों की ओर से भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर सियासत तो की जा रही है लेकिन शहीदों के परिवार की सुनने वाला कोई नहीं है। शहनवाज हुसैन साहब, देखिए, जब पुलवामा अटैक हुआ तो आपको मालूम है कि मसौरी का जवान था और एक भागलपुर का जवान था और उसमें जो शहादत हुई, और मैं खुद दिल्ली में था, भागलपुर पहुंचा, मैंने बॉडी रिसीव की, मैं उनके गाँव गया, वहां से लेकर अंतिम संस्कार तक मैं वहां पर खड़ा रहा। और नवल किशोर जी को मालूम होना चाहिए कि भागलपुर में इनके दल का सांसद है, वो वहां पर नहीं गए जब जिसके क्षेत्र में ये चीजें हुई थी। तो जब आप बोला करें तो एक उंगली की जगह चार उंगली आप पर उठती है। आपको ने जवाब पूछा कि आखिर भागलपुर के सांसद उस दिन कहां थे, 10 दिन तक वो उसके परिवार के घर के पर नहीं गए। शहनवाज जी, लेकिन मैं आज आपको बता दूं, सभी लोग रैली में व्यस्त थे। मैं पूरा पुलवामा का जो हुआ जी मैं जो देश नवकिशोर साहब एक बार सुन लीजिए, उसके बाद मैं लौटूंगी आपके पास। शहनवाज हुसैन, दूसरी बात ये है कि हम पूरी तरह से साफ तौर पर ये कहते रहे हैं कि आतंकवाद के मुद्दे पर हमको इकट्ठा होना चाहिए, हमें पाकिस्तान के मुद्दे पर इकट्ठा होना चाहिए। आजकल एक आदत सी बन गई है, फैशन बन गया है कि हर कोई व्यक्ति बड़ा बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गालियां देना शुरू कर देता है, प्रधानमंत्री पर सवाल उठाना शुरू कर देता है। आज कहा जाता है, जब पुलवामा अटैक हुआ था कहा गया कहाँ गए मिस्टर 56 इंच, ये सवाल कांग्रेस की तरफ से उठा दिया गया, बिहार में नेताओं की तरफ से उठा दिया गया। लेकिन कांग्रेस जैसे ही जुड़ेगी इस सवाल का जवाब मैं दल से बड़ा बिल्कुल लूंगी शहनवाज हुसैन। ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल तो यही ना कि एक शहीद जवान का पार्थिव शरीर अगर एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो ना ही आपकी पार्टी से और ना ही आपके सहयोगी पार्टी से कोई भी नेता वहां पर पहुंचता है ताकि शहीद के परिवार का दर्द बांट सके। सभी के सभी रैली में व्यस्त होते हैं और यही तो सवाल है कि इस पर कैसे ना पूछा जाए कि दरअसल जो सत्ता पक्ष है वो सियासत कर रहा है। अजय आलोक, सब लोग मिले हुए हैं। देखिए चित्रा जी,
बिहार के तीसरे जवान की आज शहादत हुई है, उसकी शहादत पे हम सब दुखी हैं और सबको शोक संतप्त परिवार को अपनी श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। और मैं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल ही आश्वस्त कराता हूँ, मुझे नहीं पता कि किसकी जिम्मेदारी थी, किस मंत्री को वहां जाना था और आज किन परिस्थितियों में वो नहीं जा सके जी। लेकिन एक बात मैं आपको आज भी आश्वस्त कर रहा हूं कि उनके अंतिम संस्कार में प्रभारी मंत्री समेत कोई ना कोई जरूर उनके अंतिम संस्कार में शामिल होगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि ये काम हम लोग ना करें। आज नहीं जाकर गलती हो गई, आज वो एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके हैं सरकार का कोई नुमाइंदा। बिल्कुल गलती हुई है, बिल्कुल गलती हुई है, इसमें कहां शक है। मैं तो यही नहीं जानू कि किन कारणों से गलती हुई, लेकिन एयरपोर्ट पे सरकार के तरफ से किसी का नहीं आना स्वाभाविक रूप से गलती है। किसकी जिम्मेदारी थी वो पता की जाएगी, लेकिन हाँ उनके अंतिम संस्कार में सरकार की तरफ से पार्टी की तरफ से जरूर वहां पे हमारा नुमाइंदा रहेगा, हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। लेकिन इस बात का राजनीतिकरण करना ये कहीं ना कहीं से बहुत घटिया सोच है। लेकिन राजनीति सबसे बड़ी बात यह है कि आज का मुद्दा हम लोग क्या कह रहे हैं, आज का मुद्दा हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारी सोच है एक नई, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं हम, बिल्कुल नहीं कर रहे राजनीति, हम पहले दिन से राजनीति नहीं कर रहे हैं। एयरफोर्स के चीफ, वाइस चीफ एयर मार्शल, आर्मी के मेजर जनरल दोनों संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं, विदेश मंत्रालय का स्पोक्स पर्सन संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस देश को बताता है कि खुफिया जानकारी के तहत हमने नॉन मिलिट्री टैक्टिकल स्ट्राइक की, और उसकी बातों को वजन देने की जगह पाकिस्तान मिलिट्री की एक बोली हमारे नेता अगर बोलने लगे कि सबूत दिखा दीजिए, कहां मारे, लाश कहां है, खून का कतरा कहां है, ये बोली किसकी थी, ये पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता की बोली थी। आज दिग्विजय सिंह की बोली क्या है, आज ममता बनर्जी की बोली क्या है, जमायत उलमा हिंद पे बैन लगाती है सरकार, महबूबा मुफ्ती वहां से चिल्लाने लगती है कि जमायत मुफ्ती कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक विचार है, अगर ये विचार पाकिस्तान परस्त वाली राजनीति की जा रही है। जैसे ही हमारे साथ राजीव त्यागी जुड़ेंगे, शहीदों को लेकर, ठीक है सर, शहीदों को लेकर पाकिस्तान को लेकर अपनी घटिया राजनीति कर रहा है। ठीक है, राजीव त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी बहुत देर कर देते हैं आप लोग आते आते, और इसी वजह से सवाल सीधा सा आपसे मेरा यही है, विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर जब बात देशहित की हो और पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा हो, आप लोग राजनीति क्यों करते हैं? सबूत आपकी पार्टी के नेताओं की ओर से क्यों मांगे जा रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी को अपनी वायुसेना पर भरोसा नहीं है? राजीव त्यागी, मेहरबा तो आप है, आपके कैमरामैन लेट पहुंचे, मैं तो लेट नहीं था, मैं तो सब वक्त पे था बिल्कुल। चलिए ठीक है, आपने कहा सबूत मांगे, आपने कहा कि हमारी पार्टी को वायुसेना भरोसा नहीं है, लेकिन चित्रा जी वायुसेना के शौर्य पराक्रम के बाद या पुलवामा की घटना के बाद राजनीति कौन कर रहा है वो देश की जनता जानती है, देश की जनता समझदार है। कौन व्यक्ति डिस्कवरी चैनल की शूटिंग कर रहा था, एक तरफ शहीदों का लिए पूरा देश मातम में था, उनकी चिताएं जल रही थी, कौन व्यक्ति जाकर के उत्तराखंड में, कौन व्यक्ति जाके उत्तराखंड में मीटिंग एड्रेस कर रहा था, ये देश से छुपा नहीं था। कई बार आप गिनवा चुके हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह जिनका आज का बयान है, राजीव त्यागी जी सुन लीजिए जरा, दिग्विजय सिंह जी ने कहा है अमेरिका ने जैसे आतंकी ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद सबूत दिए, वैसा ही सबूत हिंदुस्तान भी दे। क्या अब इस तरह की राजनीति पर उतर आएगी कांग्रेस पार्टी और अपने ही सेना के शौर्य के सबूत मांगेगी? देखिए कांग्रेस को यदि आप क्या नाम उसका मन बना के बैठी है कि आलोचना ही करनी है तो आप आलोचना के लिए स्वतंत्र हैं, हम आपकी आलोचना की स्वागत करते हैं, लेकिन मुझे अगर बीच में जवाब देने का मौका नहीं देंगे चित्रा जी तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। एसएस अहलूवालिया जो मोदी कैबिनेट के मंत्री हैं, एसएस अहलूवालिया जो देश के बड़े नेता हैं, जो मोदी साहब के साथ कैबिनेट में बैठते हैं, जो फैसले लेते हैं, उन्होंने क्या कहा, उनका बहुत बयान स्पष्ट है, उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक में, प्लेन की स्ट्राइक में जो हमें प्राप्त होना था वो प्राप्त नहीं हुआ। क्या एसएसएस अहलूवालिया देशद्रोही हैं? क्या वीके सिंह साहब जिन्होंने ये कहा, जो देश की कैबिनेट मिनिस्टर हैं और जो देश में निश्चित रूप से मोदी जी साहब बैठते हैं, उन्होंने कहा कि 2005 से लेकर के 2013 के बीच में कश्मीर बहुत शांतिपूर्ण था, क्या वो भी देशद्रोही है? मोहन भागवत जी उन्होंने जब ये कहा कि देश में युद्ध का दौर नहीं है, उसके बाद भी सैनिकों की शहादत हो रही है, तो क्या वो जवाब दीजिए। ठीक है, गंभीर सवाल देखिए क्या है कि जब जी राजीव जी जब भी सवाल उठाए जाते हैं
सुन लीजिए पहले आप। एक-एक करके आगे हम बढ़ेंगे। आपने अपनी बात खत्म कर ली, अब जरा इसका जवाब ले लीजिए। राजीव त्यागी इसका जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। हाँ त्यागी जी, त्यागी जी प्लीज अपना 10 सेकंड में खत्म कर दूंगा। ठीक है, 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा। उठाए उसका जवाब मैं दे दूं। बहुत विनम्रता से मैं कह रहा हूं, शहनवाज भाई वहां पे बैठे हैं। शहनवाज भाई, क्या देश नहीं जानना चाहेगा कि 45 जवान शहीद हो गए तो 18 किलो आरडीएस कैसे आ गया? मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब इसका जवाब ले लेते हैं राजीव त्यागी। ठीक है, आपकी बात हो गई। शहनवाज हुसैन साहब, शहनवाज हुसैन साहब, ये सवाल तो गंभीर है ही ना? अरे जवाब सुन लीजिए राजीव त्यागी। देश के प्रधानमंत्री एक मिनट चिंतित थे, ये आरोप है, मिथ्या है। प्रधानमंत्री कोई शूटिंग नहीं करा रहे थे, नंबर वन। नंबर टू, क्या दिग्विजय सिंह जी ने जो बयान दिया है उस बयान की जगह आप जवाब देने की जगह कुछ ऐसे बयानों का जिक्र कर रहे हैं जिसका कोई भी कोई तथ्य सही नहीं है। कोई ऐसी बात एसएस अहलूवालिया ने नहीं कही है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब देश आपसे, मेरा सवाल है राजीव त्यागी जी से, आपके नेताओं के उठाए हुए प्रश्न को पाकिस्तान के टीवी पर दिखाकर भारत को शर्मसार किया जा रहा है, भारत की छवि खराब की जा रही है, पूरे दुनिया के अंदर यह संदेश गया है कि जब 71 की बात आप करते हैं, 71 में जब बांग्लादेश युद्ध हुआ था तो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे, उन्होंने जो व्यवहार किया था वो व्यवहार आज राहुल गांधी जी नहीं कर रहे हैं। व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। क्या प्रधानमंत्री जी को आज भी आप गालियां देंगे? वो हम आपके भी प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और उस प्रधानमंत्री पर देश के लोगों का भरोसा है, जिनकी डिप्लोमेसी से आज अभिनंदन लौटा है, जिनकी डिप्लोमेसी से हमने OIC के अंदर भी पाकिस्तान को अलग थलग किया है, ठीक है, जिनकी डिप्लोमेसी से पूरे मुल्क में अमन अमान है, शांति है। लेकिन हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, राजीव त्यागी, कांग्रेस पार्टी एक मौका देश के लिए इकट्ठा होने का नहीं दे सकती? आज प्रधानमंत्री की ओर से यह भी कहा गया है कि आपके नेताओं के बयान से पाकिस्तान में खुशी का माहौल होता है और उसका मनाया जाता है वहां पर, तो आप कहेंगे कि हम ये स्थिति कांग्रेस पार्टी या फिर विपक्षी दल क्यों पैदा करते हैं? राजीव त्यागी कहा कि हम राजनीति नहीं करेंगे, ठीक है, दो दिन बाद आपने राजनीति शुरू कर दी। ठीक है, ठीक है, थोड़ा संयम रखना चाहिए। अभी जब पाकिस्तान और भारत का साथ हो तो पूरे दल को इकट्ठे होकर एकजुट होना चाहिए और पाकिस्तान से लड़ना चाहिए। हम और आप लड़ेंगे त्यागी जी, लेकिन जब पाकिस्तान से लड़ना हो तो हमें साथ चाहिए 130 करोड़ हिंदुस्तान। अब जरा जवाब ले लेते हैं हम राजीव त्यागी जी, जब पाकिस्तान से लड़ना हो तो कम से कम उस समय तो हिंदुस्तान एक साथ खड़ा रहे, उस समय अलग सुर क्यों अलापते हैं आप लोग? देखिए, बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं चित्रा त्रिपाठी जी, कि पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी के लिए चीटी के बराबर है। उसको जब चाहा हमने मसलने का काम किया, 47 में हमने मसला, हमने 65 में हमने मसला, 71 में हमने मसला, जब इतनी ताकतवर सेना नहीं हुआ करती थी। आज तो देश की सेना चौथे नंबर की ताकतवर सेना है और बहुत स्पष्ट कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि कुछ भी हो कम नहीं, 71 से हो कम नहीं, 71 जैसे हालात पैदा करके देश पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दीजिए, हम स्वागत करेंगे। मेरे बड़े भाई शहनवाज साहब का, जिनका मैं बड़ा एहतराम करता हूं, बड़ा सम्मान करता हूं, उन्होंने एक बात कही कि प्रधानमंत्री मोदी डिस्कवरी पे चैनल पे शूटिंग नहीं कर रहे थे। ये अमर उजाला की रिपोर्ट है, डिस्कवरी चैनल में दिखेंगे पीएम मोदी, कार्बेट पार्क में हुई शूटिंग। ये 14 तारीख का रिपोर्ट है जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बताती है। गुजरात के एक नेता जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा, भरत पांड्या ने, कि गुजरात भाजपा नेता ने कार्यकर्ताओं से कहा कि देश में राष्ट्रवाद की लहर है, वोटों में बदलो। येदियुरप्पा जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, नेशनल एग्जीक्यूटिव में है, मुख्यमंत्री कर्नाटक के, उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद से देश में नौजवान बहुत उत्साह में है, बिल्कुल तब्दील कर लो, 28 में से 26 सीट जो है अब इस वक्त जाकर। ये बात बेहद गंभीर है शहनवाज हुसैन साहब। जी जी जी, ये जो सही चित्रा जी, सेना के शौर्य को लेकर बीजेपी पूरे मामले का राजनीतिकरण देख रही है और 2019 का चुनाव क्या ऐसे की भरोसे जीतना चाहती है? नरेंद्र मोदी की नीतियां ही आपको हराने के लिए काफी है। जवाब लेते हैं, हम पाकिस्तान के मुद्दे पर या जंग के मुद्दे पर चुनाव में नहीं जा रहे, हमने काम किया है। अरे आपके बड़े नेताओं के हर भाषण में ये बात है, आपके नेता हर जगह मंच से कह रहे हैं कि इसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे, मुद्दा बनाने का काम करती है। और आप बताइए कि 4:44 पर राहुल गांधी जी की वीडियो कांग्रेस पार्टी ने डाली थी गुजरात में डांस करते हुए, क्या आपको मालूम नहीं था कि उस वक्त हमला हो गया है? मैं तो खुद टीवी चैनल पर था और डिबेट कर रहा था, उसी बीच में पता लगा एक हमला हुआ है।
धीरे धीरे वो संख्या बढ़ती गई शाम तक, और जब प्रधानमंत्री को इसकी सूचना मिली तो राजीव त्यागी जी ये यकीन कीजिए, प्रधानमंत्री राहुल गांधी और आपसे कम देशभक्त नहीं है, प्रधानमंत्री इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले व्यक्ति हैं। कोई भी प्रधानमंत्री होगा तो वो बेचैन होगा, लेकिन सवाल तो यही प्रधानमंत्री बेचैन हुए अपने जवानों की शहादत पे, और ये गलत इल्जाम मत लगाइए। आप लोगों ने प्रचार शुरू कर दिया है कि वो शूटिंग करा रहे थे, एकदम गलत है, मिथ्या है। प्रधानमंत्री जी ने 12 दिन के बाद ही पाकिस्तान की चेतावनी कर दी और उसका जवाब दे दिया। इसका पॉलिटिकल माइनस लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है एक कौवा मरा, पाकिस्तान कह रहा है कि सिर्फ घास चले, और कांग्रेस पार्टी भी कह रही है, आपके नेता दिग्विजय सिंह कहते हैं कि नहीं सबूत देना चाहिए। आपने सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगा था, राहुल जी ने कहा था आप खून की दलाली करते हो, आपके नेता संजय निरुपम ने कहा था कि ये सर्जिकल स्ट्राइक है, कम से कम लोगों का दिल मत तोड़िए, सेना का मनोबल मत तोड़िए। तो शुरुआत किससे की शहनवाज हुसैन साहब, बराबर अगर आप इसकी उपलब्धियां लेंगे, इसका श्रेय लेने की कोशिश करेंगे तो विपक्ष क्या करेगा? लेकिन देश में जब सेना का सवाल हो, ठीक है सर, तो इकट्ठे और एकजुट होकर सारे समाज के लोग, तो ये जिम्मेदारी तो बीजेपी के नेताओं की भी है ना शहनवाज साहब, ये जिम्मेदारी तो बीजेपी के नेताओं की भी है ना कि बड़े बड़े मंच से बार बार इसको गिनाकर वोट लेने की कोशिश नहीं की जाए, वो भी राजनीतिक मंचों से। बिल्कुल किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है शहनवाज हुसैन साहब। आ रही हूँ त्यागी जी, शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, राजीव त्यागी जवाब दीजिए आप। ठीक है राजीव त्यागी जी, लेकिन सवाल बड़ा ये भी है कि जब 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 एक सवाल सुन लीजिए, एक सवाल सुन लीजिए की अचीवमेंट पर, ठीक है चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अमेठी पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार, और वहां पर राफेल विमान को लेकर वो अपनी बात रख रहे हैं, सीधे सुनते हैं। 10 साल के भीतर ही गिरने की स्थिति के कगार पे आके खड़े हो गए। उन बस्तियों के लोग बता रहे थे कि यहाँ के सांसद ने बस्तियों को अपना नाम तो दे दिया, लेकिन उसके बाद उन लोगों को वो भुला दिया गया। साथियों, अमेठी के लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव किया गया आप इसके गवाह हैं, और आज आप ये भी देख रहे हैं कि हमारी सरकार ने यहां कैसे विकास के कार्य किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अमेठी में ऐसे 9000 से अधिक घरों का निर्माण किया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन देकर, सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन देकर, शौचालयों का निर्माण कराकर यहाँ के लोगों का जीवन आसान बनाने की कोशिश की गई। भाई और बहनों, वोट लेकर जनता को भूल जाना कुछ परिवारों की प्रवृत्ति है, कुछ लोगों की प्रवृत्ति है। वो गरीब को गरीब बनाए रखना चाहते हैं ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी हटाओ के नारे लगा सके। हम गरीब को सशक्त बना करके उसे इतनी ताकत दे रहे हैं कि वो अपनी गरीबी से तेजी से बाहर निकले। यही वजह है कि आज भारत उन देशों में गिना जाता है जहां बेहद तेजी से के साथ गरीबी कम हो रही है। गरीबों के प्रति, उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशीलता कुछ लोगों में रही नहीं है। साथियों, गरीबों के साथ जो किया गया वही देश के किसानों के साथ भी हुआ। इन लोगों ने कभी किसानों को सशक्त करने की कोशिश ही नहीं की, उसकी छोटी बड़ी दिक्कत को ये नजरअंदाज करते रहे। जब किसान इनकी योजनाओं से परेशान हो जाता था तो एक कर्ज माफी के भ्रम में उसे फंसा देते थे। पिछली बार साल 2008 में इन्होंने 52,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की, जबकि देश के किसानों पर 6,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। इतना ही नहीं, जितनी कर्ज माफी की उसका लाभ भी औसतन देश के 3-3.5 करोड़, यानी अगर आपके गांव में 100 किसान है तो मुश्किल से 20 या 25 किसानों को लाभ मिला। बाकी कर्ज माफी का लाभ तो इनके सारे सिपा सालार, ठेकेदार, दलाल, बिचौलिए ले गए। वही हमारी सरकार जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लेकर आई है,
उसका लाभ देश के 12 करोड़ किसानों को मिलना सुनिश्चित हुआ है। कुछ दिन पहले ही करोड़ों किसानों के खाते में 2000 रुपये की पहली किस्त पहुंच भी गई है। जिन किसानों के खाते में पैसे नहीं आए हैं उन्हें भी बहुत ही जल्द इसका लाभ मिलने वाला है। साथियों, ये योजना इतनी बड़ी है कि आने वाले 10 वर्ष के तहत 7.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे पहुंच जाएंगे। सोचिए, देश के गांवों को, किसानों को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे कितनी बड़ी ताकत मिलने जा रही है। इससे अमेठी के भी हजारों किसानों को बहुत फायदा होगा। खाद खरीदना हो, बीज खरीदना हो, बिजली का बिल भरना हो, कीटनाशक खरीदना हो, ऐसे तमाम काम वो इस पैसे से कर पाएगा। नरेंद्र मोदी को अमेठी से यानी कि कांग्रेस के गढ़ से आप लाइव सुन रहे हैं। जो बड़ी बातें उन्होंने कही, उन्होंने कहा हमारी सरकार में पहला राफेल उड़ेगा, इस बात का भरोसा देते हुए यानी कि अपनी वापसी के संकेत इस अमेठी की रैली से देने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। आपको बता दें कि अमेठी जीतने की कोशिश उनकी ओर से की जा रही है। 2014 में यहां पर 4 लाख वोट मिले थे राहुल गांधी को, 3 लाख वोट स्मृति ईरानी को, और इस बार चुनौती राहुल गांधी के लिए वहां से बड़ी है और इसी वजह से अमेठी जीतने की कोशिश के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए। लेकिन लगातार दंगल में हम चर्चा कर रहे हैं मोदी विरोध कि राजनीति इस देश में चल रही है या फिर आतंकवाद को इस देश से खत्म करना है, आखिर विपक्ष चाहता क्या है। तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राजीव त्यागी जी, आपको बीच में रोकना पड़ा था राफेल को लेकर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी है। हल्ला बोल में इस सवाल के साथ मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले जिस बड़े मुद्दे पर आज हम डिबेट कर रहे हैं, जब आतंकवाद को मिटाने के लिए मीटिंग पर मीटिंग का दौर जारी था उस वक्त 21 विपक्षी पार्टियां आपस में मिलकर मोदी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर रही थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया है बिहार की रैली में। राजीव त्यागी, देखिए प्रधानमंत्री महोदय, शायद हो सकता है कि आज तक के पास कोई क्लिपिंग जरूर होगी जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी पुलवामा के बाद। मेरी इंफॉर्मेशन है कि प्रधानमंत्री महोदय उस मीटिंग में नहीं गए थे। कृपया उस मीटिंग को दिखवा दीजिए, अगर आज तक के पास क्लिपिंग है तो चलवा दे उस क्लिपिंग को। प्रधानमंत्री इतने गंभीर थे, राजनाथ सिंह जी ने लिखी मीटिंग को। बहुत बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ चित्रा जी, मैं 21 विपक्षी दलों ने जो मीटिंग की थी उसकी बात, वो गृह मंत्री जी ने लिखी रिपोर्ट 23 अप्रैल 2014 को निश्चित रूप से अमित शाह जी ने कहा था कि पाकिस्तान आंख उठा करके नहीं देख पाएगा यदि मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाए। सर्जिकल स्ट्राइक का यदि सरकार क्रेडिट लेना चाहती है तो सरकार इतना बता दे हमें सिर्फ कि आज तक पिछले 4.5 साल में 56 महीनों में 56 इंची सीना तो आप नहीं दिखा पाए और 500 जवान शहीद हो गए देश के, 280 सिविलियन मारे गए और 5,900 आतंकवादी मारे, ये नहीं बताएंगे कि पाकिस्तान कर चुका। आपने वादा किया लव लेटर नहीं लिखे जाने चाहिए, लेकिन आप लव लेटर दे आए। और याद करिए चित्रा जी, जिस तरह से अजहर मसूद को छोड़ा गया था, पाकिस्तान कंधार छोड़ा गया था, किसकी सरकार में छोड़ा गया था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। याद करिए चित्रा जी, किस जिस टाइम पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था और आतंकवादी ने अटैक करने का काम किया था, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। याद करिए चित्रा जी, पीडीपी के साथ मैं जवाब दे दूं, मुझे मौका दे दें जवाब का, मोदी जी की सरकार थी। और याद करिए चित्रा जी, जिस तरह जुमले तराशे गए 56 इंच सीने के, हम तो कह रहे हैं आइए मैं 56 इंच बोल दूं। दो मेहमान जुड़े हुए हैं, उसकी बात समझाऊंगी, लेकिन उसके पहले मुझे जवाब। ठीक है राजीव जी, हो गई आपकी बात, हो गई आपकी बात, हो गया राजीव जी, हो गया, ठीक है भाई। मैं आपसे कह दूं, जल्दी से, कांग्रेस के प्रवक्ता जब टेलीविजन पर आते हैं तो वो सिर्फ ये बताते हैं कि हमारे जवान कितने मारे गए और हमारे पराक्रमी जवानों ने, सेना के जवानों ने, पैरामिलिट्री फोर्स ने आतंकवादी कितने मारे, इसका जिक्र कांग्रेस के प्रवक्ता कभी नहीं करते। हमने ऑल आउट किया ऑपरेशन, हमने आतंकवादियों को खत्म किया है। एक कायर पाकिस्तान कायरतापूर्ण तरीके से, धोखे से, विस्फोट करके नई तरीके से हमारे जवान शहीद हुए, लेकिन पाकिस्तान को हमने उसकी हैसियत बताई है। आप एक बार भी सेना की तारीफ नहीं करते, लेकिन हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारने का काम किया। आप दो दिन क्यों कह देते हैं कि हम सरकार के साथ हैं की शहादत ना हो, और दो दिन के बाद आप फिर अपनी राजनीति करने लगते हैं। हमने आज भी हमने कहा
कि पाकिस्तान के लोगों को नींद नहीं आती, उन्हें मालूम है कि मोदी प्रधानमंत्री है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि लोग मर जाएंगे मुंबई में और ये मोमबत्ती जलाते रहेंगे। हम मोमबत्ती जलाने वाले लोग नहीं है। चलिए ठीक है, हो गई आप दोनों की बात, हो गई। अजय आलोक जी भी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, उनका मैं रोक करते हुए। अजय आलोक जी, लेकिन क्या इस देश में इस तरह की राजनीति जिनने जन्म नहीं ले लिया है कि अगर मोदी विरोध की बात करो तो उसको देश के विरोध से जोड़ दिया जाता है? और आप तो सहयोगी पार्टी है, जरा साफ साफ और सच बोलिएगा देश के सामने। अजय आलोक जी, मोदी विरोध की बात करो तो उसको देश के विरोध से जोड़ दिया जाता है। चित्रा जी मैं आपसे देखिए, मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूं। हमारे देश में शायद लोकतंत्र है, पाकिस्तान की तरह मिलिट्री तंत्र तो नहीं है। देश की सेना किसके कंट्रोल में रहती है? राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होते हैं। राष्ट्रपति किसके कहने पे कोई निर्णय लेते हैं? अटैक करने का निर्णय कब होता है? जब कैबिनेट निर्णय लेती है, प्रधानमंत्री निर्णय लेता है। किसने बोला? ये 21 दलों की संयुक्त विपक्षी दलों की बैठक होती है। अब कांग्रेस डिरेल होकर बात कर रही है, कि हम सेना के साथ हैं लेकिन हम सरकार की निंदा करते हैं क्योंकि राजनीतिकरण कर रही है। सरकार और सेना अलग अलग नहीं है, सरकार के नियंत्रण में सेना है। राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी तो सेना, हिंदुस्तान की सेना एक डिसिप्लिंड फोर्स है, कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करेगी। लेकिन मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूँ। वाइस चीफ एयर मार्शल ने कहा कि सारे सबूत हैं, ये राजनीतिक फैसला होगा कि सरकार चाहे कब नहीं दिखाना चाहे। एक, उसके बावजूद ये सबूत मांग रहे हैं। मैं बताता हूँ राजनीतिकरण कैसे हुआ। 12 तारीख को पुलवामा होता है, 19 तारीख को रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या ये राजनीतिकरण नहीं था? 22 तारीख को हमले के बाद 24 से ये लोग कहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं। दो दिन के बाद विपक्षी दल बैठक बुला के कहते हैं सरकार राजनीतिकरण कर रही है। ठीक है, प्रधानमंत्री क्या देश को मैसेज नहीं देगा इतने बड़े हमले के बाद? एयर स्ट्राइक कोई मामूली चीज नहीं होती है, युद्ध का आगाज होने, युद्ध के कगार पे देश खड़ा है। और यहाँ पे पहली बार हुआ आजादी के इतिहास के 70 साल के बाद, हर युद्ध में विपक्ष हमेशा सरकार के साथ रहा है, ये पहली बार हुआ है। एक नासमझी के कारण, एक 50 साल के व्यक्ति के नासमझी के कारण कि इस बार विपक्ष सरकार के साथ नहीं खड़ा होके, देश के साथ नहीं खड़ा होके, गद्दार पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री क्या बात गलत गलत बोलते हैं कि विपक्षी नेताओं के भाषण के कारण पाकिस्तान में तालियां बजती हैं? सबको पता है, पूरे देश को पता है, पूरे देश को पता है। और मजबूर है, मुझे आश्चर्य लग रहा है एक व्यक्ति की नासमझी को। 21 दल पीछे लगे हुए उसके, 21 दल पीछे लगे हुए उसके। ठीक है, आपकी बातों से लग रहा है मुझे कि आप राहुल गांधी की ओर से नहीं है, सरकार के नियंत्रण में सेना है। आप पटना में बैठ के रैली करते हो। ठीक है, नवल किशोर को जोड़ना चाह रहे हैं। नवल किशोर साहब, लेकिन एक सवाल भी ले लीजिए। नवल किशोर जी, एक सवाल भी ले लीजिए। क्या जिस तरह के तीर आप छोड़ रहे हैं, आपके पास कोई और मुद्दा बचा नहीं? और आज तो नीतीश कुमार ने कह दिया कि दरअसल लालटेन बुझ चुका है, इस वजह से ये फड़फड़ाहट जारी है आरजेडी के नेताओं की। नवल किशोर, देखिए आपने तो बड़ा आसानी से बीजेपी का काम आसान कर दिया। आज रैली जो फेल हुआ, बलात्कारियों के संरक्षण के साथ बैठकर नरेंद्र मोदी वहां पे रैली कर रहे हैं और वहां पे कोई देखने नहीं आता है, रैली फ्लॉप होती है। आप बड़ी आसानी से इसको दे देते हैं कि आतंक मिटाओ या मोदी हटाओ, ये ऐसा कुछ नहीं है। आप ये मान के चलिए कि आतंक के खिलाफ पूरा देश है, मतलब कोई भी सरकार आतंक से लड़ेगा, आरजेडी तय करेगी। नवल किशोर जी, जो जब से आए हुए हैं बहस करेंगे, ये आप तय करेंगे और हर एक काम को झूठा फायदा उठा रहे हैं। उनके साथ में बलात्कारियों के संरक्षण बैठे हुए हैं, उनके साथ में सृजन के नायक बैठे हुए हैं, उनके साथ में वैसे बैठे हुए हैं जिन पर 33 घोटालों का नाम इन्होंने खुद अपने मुंह से लिया था। उनके साथ वो बैठे हुए हैं जो कि संघ मुक्त होने के नाम पे पहले राजनीति करते थे। और आप बात करते हैं मोदी हटाओ की, मोदी तो हटे हुए हैं, यह देश तय कर लिया है। लोकबंदी जनबंदी हो चुकी है, जन गोलबंदी हो चुकी है कि मोदी अगली बार नहीं आएंगे, यही फड़फड़ाहट है। लालटेन बुझने वाला नहीं है, लालटेन के प्रकाश में सारे लोग वहां पर समाप्त होने। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, ये नीतीश कुमार को मालूम है। ठीक है, आरजेडी की ओर से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, मैं चाहूंगी जेडीयू इसका जवाब दे, उसके बाद में बीजेपी कांग्रेस के पास जाऊंगी। ठीक है, अजय आलोक जी, बचाएगा कौन? बचाएगा मोदी, इसीलिए मोदी की भक्ति लालटेन युग ना, और यहां पर अजय आलोक लालटेन युग चित्रा जी, अन्यथा लालटेन युग चित्रा जी 15 वर्ष पहले ही खत्म हो गया, गलत समय में जी रहे हैं। और उस
टेन युग के खत्म होने का ही असर है कि आज जेल में चक्कियां पीस रहे हैं, आजीवन भर जेल में ही रहेंगे। बात कर रहे हैं बलात्कारियों की, इनके युवराज अपने बगल में बलात्कारी लेके घूमते हैं जिन पे चार्जशीट हो चुका है, और ये बात करते हैं बलात्कारियों की, ऊपर से नीचे तक अपराधियों की जमात में बैठे हुए नेता, देश के लोकतंत्र को कलंकित करने वाले ये लोग, बिहार को गर्व में ढकेलने वाले ये लोग, मुझे आश्चर्य लगता है कि ये लोग बोलते हैं। अरे जिसके नेता जेल में बंद हो, जिसके नेता पर लगातार घोटालों का आरोप हो, साबित हो चुका हो, कोर्ट ने सजा दी हो, उसको बोलने का अधिकार है? शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी? पूरे बिहार को ज्ञान दे रहे हैं गिरिराज सिंह और उसका ज्ञान? अरे अपने जामन में झांकिए, शर्म आती है आप लोग को? इस तरह की बात करते हैं, बेशरम हो चुके हैं। रैली फ्लॉप हो गई, किसानी बिल्ली खंभा नोचे, वो भी जेल से नहीं, ये जितना भी खंभा नोचे लालू यादव, कि मैं पान खाने कहीं रुक जाता हूँ तो भीड़ जमा हो जाती है। अरे लोगों का तो पेट से चारों तक खा गया, पान खाने की बात क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने बोला ना, उसके राजनीति चारा खाने की बात सारा देश जानता है, आप ही लोग की पार्टी में है, आपके नेता निर्लज की तरह बात करते हैं, बकवास कर रहे हैं। यहाँ पे निर्लज है, सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी है, आप जो यहाँ बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं, जाइए पहले होटवार जेल से पूछ के आइए, आप लोगों से लड़ेंगे क्या करना है? तो देश की जनता फंस गई होगी आपके ऊपर। एक एक करके अपनी बात रखिए और कम से कम शब्दों की मर्यादा का भी ख्याल रखिए। हम एक दूसरे के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करने की क्या जरूरत है? हमेशा जिंदा काम करते हैं, ठीक है नवल किशोर जी। लेकिन अजय आलोक जी, एक सवाल आपसे भी है। आप कह रहे हैं लालटेन युग का खात्मा हो गया, तो फिर 2015 में इन्हीं के सहारे अपने नाम को पान लगाने तो पहुंच गए थे आप लोग, ठीक है? कितने लोगों को पाकिस्तान हो गया? नवल किशोर जी आपकी बात हो गई, बिहारियों को पाकिस्तान भेजेंगे, ठीक है? आज तो इनका रैली संपूर्ण फेल रहा, क्यों नहीं आते हैं आप? अरे रैली तो सुपर हिट हो गई, बहुत बढ़िया रैली हुई है, लोगों के अंदर जुनून था। शाहनवाज जी, पाकिस्तान का दरवाजा खोलने वाले आपके पास हैं। गिरिराज सिंह जिनके घर में नहीं, उन्हें पाकिस्तान का दरवाजा कोई खोल नहीं सकता। पाकिस्तान से मत जोड़िए, अभी पुरानी बात है। अरे एक एक करके बात करती है तो मुझे लगता है कि मैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रही हूं और देश की जनता भी ध्यान देगी इस जगह पर। अरे पाकिस्तान जब जो अभी भी इस्तीफा नहीं दी है, केवल मंजू वर्मा ने दिया है, तैयार नहीं है। आमिर कसाब की डेड बॉडी नहीं ली, पाकिस्तान जब अपने सैनिकों की बॉडी नहीं लेता तो वो हिंदुस्तानी मुसलमानों को क्या लेगा? आप लोग डराते रहते हैं, आप लोग पाकिस्तान से मत जोड़ा कीजिए, भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान से नवल किशोर साहब आपसे बात हो गई है। अब मैं चाहूंगी हम मेन मुद्दे पर आ जाए। नवल किशोर जी, अगर आप ऐसे ही बोलेंगे तो मुझे आपका ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा। नवल किशोर साहब आप शांत रहें। शाहनवाज हुसैन जी, नहीं नहीं नहीं, अब मेरा सवाल सुन लीजिए, ठीक है? अब मेरा सवाल सुनिए शाहनवाज हुसैन साहब, सवाल यह है कि अगर बड़े बड़े राजनीतिक मंचों से आपके नेता इस शौर्य की गाथा को अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, विपक्ष सवाल पूछेगा और उन सवालों को एड्रेस करना सरकार का काम है क्योंकि आप सत्ता पक्ष में हैं। आज दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अगर अमेरिका की ओर से सबूत दिए गए, ममता बनर्जी ने विदेश की मीडिया का ही हवाला देते हुए अगर कहा है कि हमें सबूत चाहिए, तो आप इस तरह से जवाब कैसे दे सकते हैं कि नहीं नहीं अगर वो मोदी का विरोध कर रहे हैं तो वो देश का विरोध कर रहे हैं, देश विरोधी के तौर पर अपने विपक्षी नेताओं को क्यों विस्तार कर रही है बीजेपी? लेकिन देश की सेना का विरोध, पाकिस्तान की भाषा बोलना, ये देश का विरोध है। पाकिस्तान सबूत मांगता है और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह भी सबूत मांगेंगे। पाकिस्तान यूएन में कहता है कि उनकी झाड़ियां कट गई है, कौवा मरा है, और कांग्रेस के नेता भी इसी तरह की भाषा बोलेंगे, ये कहीं से स्वीकार नहीं होगा। हम हर मीटिंग में हर जगह अपने सेना के शौर्य की गाथा को गाएंगे, कांग्रेस भी गा सकती है, कांग्रेस भी कहे, गर्व से कहते अगर दिग्विजय सिंह कि हमारे वायु सेना के लोगों ने अच्छा पराक्रम किया है, उसकी जगह वो सबूत मांग रहे हैं। चलिए मैं जवाब देती हूँ राजीव त्यागी जी, आपको नहीं लगता है कि कम से कम इस मसले पर पाकिस्तान जीत गया, हमारे लोगों को तोड़कर, मतलब सत्ता विपक्ष और सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के सुर अलग अलग हैं इस मामले पर, और अगर विपक्ष की ओर से सबूत मांगे जाएंगे अपने ही सेना के शौर्य पर तो फिर ताली तो बजेगी ही पाकिस्तान में? राजीव त्यागी, देखिए चित्रा जी, आप देश की बड़ी पत्रकार हैं, एक एंकर हैं, अच्छी एंकर हैं, मैं आपसे बहुत स्पष्ट दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। सर्जिकल स्ट्राइक आपने की, हम आपको बधाई देते हैं, देश की सेना को बधाई देते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और आपके बहुत सारे नेता फिर सबूत भी मांगते हैं, ठीक है? लेकिन हमने, कांग्रेस पार्टी ने कभी आतंकवाद पर देश की, देखिए प्लीज प्लीज सुनिए, देखिए ऐसा ना, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, देश की सेना के शौर्य पर
आतंकवाद पर देश में सैनिकों की शहादत पे कांग्रेस ने कभी वोट नहीं मांगे और आपको आश्वस्त करता हूं मैं आगे भी वोट नहीं मांगेंगे। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, मेरे भाई ने कहा कि मैं शहीदों की सैनिकों की संख्या तो बता रहा हूं, आतंकवादियों की संख्या नहीं बता रहा हूं। साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल जो ये बताता है उसको स्पष्ट बता देता हूं कि सबसे ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब के समय पे, 2020 आतंकवादी मारे गए थे 2001 में जम्मू कश्मीर में, और मनमोहन सिंह साहब के 2005 में 917 आतंकवादी एक ही वर्ष में मारे गए थे। आपने 200 आतंकवादी मारे उसका आप ढिंढोरा पीटने का काम कर रहे हो, आप पीटिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं और बहुत प्रूफ के साथ मैं बोल रहा हूं, ये साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल की रिपोर्ट है जो मैंने आपके सामने रखी थी। ठीक है। अब मैं सवाल सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं, आपने टक्कर लेने की बात की थी लेकिन आप पाकिस्तान से शक्कर लेकर के आ गए। 70 साल में पहली बार हुआ कि हमारी महान सेना के साथ पाकिस्तान की सेना ने युद्ध अभ्यास किया, पहली बार। हमारे एक मित्र ने कहा कि विपक्ष साथ नहीं खड़ा है, इंदिरा जी की तुलना आप इस वक्त की सरकार से नहीं कर सकते। इंदिरा जी ने कभी झूठ नहीं बोला था, इंदिरा जी ने किसी हमले के बाद कभी भी आईएसआई को न्योता नहीं दिया था, इस सरकार ने आईएसआई को पठानकोट बुलाकर के मुआयना कराने का बात की, पहली बात। इंदिरा जी ने कभी महान सेना के साथ पाकिस्तान की सेना का युद्धाभ्यास नहीं कराया था, युद्धाभ्यास की दूसरी बात। तीसरी बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, चार पुश के कांग्रेस गरीबी मिटाते रहे। सुन लीजिए, आधार जी मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं दो ही बात कहना चाहता हूँ। राजीव प्यारे जी, मुझे लगता है कि आप अपनी बात बहुत लंबी रख रहे हैं, कुछ छोटा सा करेंगे तो मैं जवाब भी ले लूंगा। आप जमीन पे बैठे हुए हैं राजीव त्यागी, मतलब ये मंच नहीं है भाषणबाजी का। शर्मा जी सर बेहद गंभीर सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, पूरा देश जानता है। आपने 71 की लड़ाई के बाद उस पर वोट मांगने का काम किया, पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। 71 पर आपने बांग्लादेश वॉर के बाद आपने उस पर वोट मांगने का काम किया, हम नहीं करेंगे। आपने इंदिरा गांधी जी की शहादत के बाद वोट मांगा, सिख भाइयों का कत्लेआम हुआ और आपने पूरे देश के अंदर एक उन्माद पैदा किया इंदिरा जी के हत्या के बाद। तो शहादत के नाम पर तो आप वोट मांगते हैं। राजीव गांधी जी की हत्या हुई उसके बाद भी इस मुद्दे को, शहादत को आप भुनाते रहे। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम सेना के शौर्य को भुनाते नहीं हैं। आप दोनों ही लोगों से मेरा निवेदन है कम से कम एक एक करके अपनी बात रखें। काम है, ठीक है, सेना के शौर्य की प्रशंसा करना आपका काम है, सेना के ऊपर उंगली उठाना। लेकिन आपका काम ये भी है शहनवाज हुसैन साहब, अगर देश के एक तबके में कोई सवाल उठा रहा है तो सवाल को एड्रेस करें, ना कि उसको देश विरोधी करार दे दें। यही अंतर है, ठीक है। नहीं, एक मिनट सुनिए राजीव त्यागी जी, बहुत लंबा भाषण आप दे रहे हैं, मेरा सवाल सुन लीजिए राजीव त्यागी जी। राजीव तुम मीटर हटो नहीं, तुम मीटर हटो नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो की कविता आप सुना रहे हैं, लेकिन आपके नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं आपको नहीं लग रहा है कि उससे हमारी सेना का मनोबल खत्म होगा, कम होगा? राजीव त्यागी, कहाँ पर हमला किया आपको? कांग्रेस पार्टी को सवाल जवाब देना होगा। जो भाजपा पाकिस्तान बोलता है उसी तरह की जबान आप लोग क्यों बोलते हैं? पाकिस्तान के टेलीविजन पर अरे एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो बेहतर सुन पाएंगे। आप दोनों लोग झगड़ रहे हैं आपस में, ये बहुत गलत बात है। सबूत पाकिस्तान में बैठे लोग भी अगर इस डिबेट को देख रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि किस तरह से लड़ते हैं यहाँ के नेता आपस में, वो भी बात जब देश हित की होती है। चारों मेहमान दंगल में हमारे साथ बने हुए, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर हिंदुस्तान में हमारे नेताओं की ओर से ऐसी बयानबाजी क्यों की जाती है जिससे पाकिस्तान का बढ़ता है मनोबल और हमारी सेना का मनोबल कम होता है। सैनिकों के शौर्य पर सबूतों की सियासत इस देश में आखिर कब तक होती रहेगी, इस विषय को लेकर दंगल में लगातार हमारी चर्चा जारी है। चार खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एक एक करके जल्दी जल्दी चूंकि वक्त हमारे पास बेहद कम है। शहनवाज हुसैन साहब, क्या होना चाहिए, इस बात को मानेंगे कि कम से कम बीजेपी को भी अब इस मुद्दे को छोड़ देना चाहिए और इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए? हुसैन साहब देखिए, जो हमने न सियासत किया है न करेंगे, 71 की लड़ाई के बाद कांग्रेस ने किया, इंदिरा जी की शहादत पर इन्होंने वोट मांगे और उनसे हम अपने देश के सैनिकों के नाम पर न वोट मांगा है न मांगेंगे जी। हम लेकिन अपने सैनिकों के शौर्य की गाथा हर जगह गाएंगे, पूरे दुनिया में बताएंगे, भारत में बताएंगे, और कांग्रेस को ये हक नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान की तरह सबूत मांगे कि हमने जो पराक्रम सैनिक का किया वो क्यों किया, ये सबूत भी नहीं मांगने की इजाजत देंगे। ठीक है हुसैन साहब,
सैनिकों के शौर्य की गाथा अगर वो अपने मंच से गा रहे हैं तो आपको दिक्कत किस बात की है? क्या आपको लगता है कि 2019 में इससे फायदा मिल जाएगा बीजेपी को और कांग्रेस पीछे रह जाएगी, इस बात का डर है कांग्रेस को? देखिए, ना तो हम डरते हैं, हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो भारतीय जनता पार्टी के झूठ से कैसे डरेंगे, जुमलों से कैसे डरेंगे। बहुत स्पष्ट मैं कह देता हूं, भारतीय सेना शौर्यवान है, भारतीय सेना महान है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। चौथे नंबर की ताकतवर सेना है तो कांग्रेस का भी कुछ योगदान रहा होगा चौथे नंबर की ताकतवर सेना बनाने में। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं, विपक्ष सिर्फ इतना सवाल पूछ रहा है कि इंटेलिजेंस फेल्योर कैसे हुआ। हम तो बहुत स्पष्ट आपको ब्लैंक चेक दिए हुए, हम कहते हैं अब कुछ भी हो, गम नहीं कतर से हो कम नहीं, महान इंदिरा गांधी जी की तरह से आप कार्य करिए। किसान का सुरक्षा करता है, बताइए क्या होना चाहिए? कम से कम सियासत तो बंद हो जानी चाहिए अब इस देश से सैनिकों को लेकर। देश में एक चीज जरूर होनी, चित्रा जी कुछ हो चाहे नहीं हो, एक चीज जरूर होनी चाहिए। अगर मोदी या नीतीश के कारण भ्रष्टाचारियों में डर है तो वो डर होना चाहिए। अगर हमारी सशस्त्र सेनाओं के कारण आतंकवादियों में पाकिस्तान को डर है तो वो डर होना चाहिए। और चोरों को लगता है कि मोदी और नीतीश वापस आएंगे तो उनकी नैया डूब जाएगी, तो ये भी डर होना चाहिए। शुरू हो गया ना सियासत, इसी बात का तो डर है कि जब भी देशहित की बात होती है तो उस पर सियासत का हित कहीं ज्यादा हावी हो जाता है। और वही आप देख रहे थे दंगल में भी। फिलहाल वक्त की कमी है, आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन देश को ये याद रखना चाहिए कि हमने अपने 47 जवानों की शहादत भी दी है, और इसी वजह से जब भी सियासत इस पूरे मामले में चाहे सत्ता पक्ष कर रहा हो या फिर कर रहा हो विपक्ष, जनता उन्हें जवाब दे। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।